हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देव किसान। तो आप सब कैसे हैं? जैसे भी हो आप सब कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर यूट्यूब की तरफ से कुछ अपडेट आए हैं, यहाँ पर न्यू यहाँ पर कुछ 3 अपडेट आए हैं। यहाँ पर सभी के पास आप सबके पास यहाँ पर मेल आया होगा, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में ये सब बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को, और लास्ट तक बने रहिए तो यहाँ पर सारी अपडेट के बारे में आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको रीड करके यहाँ पर पूरा सब पढ़ के सुना देता हूँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर ये अपडेट जो यहाँ पर पहले US में यहाँ पर नवंबर 2020 में पहले से ही आ चुका है, पहले से ही लागू हो चुका है, और अपने यहाँ इंडिया में 1 जून 2021 से यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला अपडेट जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर गाइस इसमें क्या है, तो मैं आपको पहले रीड करके पूरा पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। The Data of Service already states that you cannot collect any information that might identify a person without their permission. While this has always included facial recognition information, the new terms make that specifically clear. दोस्तों यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप किसी के भी फेस को आप अपने वीडियो में यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर आप मेरा फेस या मेरा लोगो तो कुछ भी अगर आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूँ। यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पर ये क्योंकि पहले से भी था यहाँ पर नियम, तो यहाँ पर कोई और इसी को थोड़ा सा सख्त बना दिया गया और कोई बात यहाँ पर नहीं हुई होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर दूसरे वाले की, यूट्यूब्स राइट्स टू मोनेटाइज का यहाँ पर इसका, तो इसमें क्या है गाइस, यहाँ पर ये बोला गया है कि आपके यहाँ पर यूट्यूब जो है आपकी किसी भी वीडियो को पर यहाँ पर ऐड चला सकता है, चाहे आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, आपके चैनल पर कोई भी रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगी। जैसे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है और आपको यूट्यूब तब भी आपके चैनल पर यहाँ पर ऐड लगा के वो अर्निंग कर सकता है, यूट्यूब मतलब अपनी कमाई करेगा, आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। तो अगली यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो अगला यहाँ पर अपडेट निकल के आता है, रॉयल्टी पेमेंट एंड टैक्स विद होल्डिंग का। यहाँ पर ये US टैक्स वाला है, जो कि अगर आप चाहते हैं इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो इसमें यहाँ पर जो US टैक्स का है, यहाँ पर जो 24% अगर आप यहाँ पर इसका फॉर्म नहीं भरेंगे तो यहाँ पर 24% आपका कट जाएगा, अर्निंग जो भी अर्निंग होगी। अगर आप इसका फॉर्म भर देते हैं तो आपको सिर्फ जो भी US में वीडियो देखा जाएगा उसका सिर्फ 15% आपका यहाँ पर देना पड़ेगा यूट्यूब को। तो यही है अपडेट, यहाँ पर एक कुछ अपडेट यहाँ पर आई है, जो भी अपडेट है यहाँ पर ये सब 1 जून 2021 से मतलब अगले महीने से 15-20 दिन बाद यहाँ पर लागू हो जाएगा। 15-20 दिन ही लगभग, यहाँ पर 10-12 दिन जो भी है तो आपका लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर यही सारी अपडेट थी, जो कि आपके मेल जो भी आपका चैनल है उसकी मेल ID पर आया है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, तो आप इसके लिए यहाँ पर कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। तो बस फिलहाल आज की इस वीडियो में तय मिलते हैं, ऐसी किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।